तमाम मीडिया हमारी गुजारिश पर आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी पंजाबी फिल्म नो लव नो टेंशन ईद उल फितर पर रिलीज है। हमारी फिल्म की हीरोइन महक नूर, जो थिएटर की बड़ी एक्टर हैं और उन्होंने बड़ा लाजवाब रोल किया इसमें, और दूसरी हीरोइन हमारी टेलीविज़न मीडिया से हैं सोबिया महर, ये दोनों अदाकारें इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वरना आज वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होती। सरदार कमाल साहब अपनी हाज़िरी देकर चले गए हैं, वो भी मीडिया के सामने थोड़ी देर पहले मौजूद थे। आगा माजिद साहब इस फिल्म का एक अहम तरीन रोल है और टेलीविज़न की मसरूफियत की वजह से वो भी ज़रा लेट हैं, ज़रूर तशरीफ़ ले आएंगे। नो लव नो टेंशन एक हटकर मौजू है, कॉमेडी मूवी है, लव स्टोरी है और ड्रामेटिक फिल्म है। एक अरसे से हमारे कल्चर में ये था कि एक्शन मूवीज़ बनाई जाती थी और मार धाड़ पर मबनी एक दौर आया था और वो फिल्में बड़ी हिट हुई, बड़ी कामयाब हुई। उन फिल्मों ने साल साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, मगर अब कुछ अरसे से हमारे प्रोड्यूसर यूनी मलिक साहब और मैं पिछले 4-5 साल से रिसर्च कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ स्टेप पीछे गई है कैसर पिया साहब, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, असल में फिल्म बीन मांग क्या रहे हैं। ये 4-5-6 साल की हमारी डिस्कस के बाद और हमारी रिसर्च के बाद ये तय पाया कि पब्लिक इस वक्त हंसना चाहती है, दुख दूर करना चाहती है और फिल्म में एक ऐसा सब्जेक्ट चाहती है जो रियलिटी के बिल्कुल करीब हो, हकीकत के बिल्कुल करीब हो, और ऐसी कहानी हो जो फैमिलियों में देखी जा सके और जो हर घर की हर फैमिली की स्टोरी हो और जो हकायक पर मबनी हो। तो हमने पिछले 2 साल से इसके स्क्रिप्ट पर, सब्जेक्ट पर मिल बैठकर काम किया और उसके बाद शूट पर आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म कंप्लीट करने के बाद ये फिल्म ईद पर रिलीज है इंशाल्लाह। इस फिल्म के डीओपी ने बड़ी मेहनत की, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, नासिर साहब बड़े अच्छे डीओपी हैं, अज़ीज़ जहांगीरी साहब हमारे को प्रोड्यूसर हैं, यूनी मलिक साहब हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे अब्बी खान साहब, हमारे मामन हिदायतकार मोमिन खान, हमारे मीडिया एडवाइज़र उनका बड़ा मशहूर हूँ टाइगर शाह साहब, हमारे कोरियोग्राफर तौफीक शाह साहब ने बड़ी मेहनत की, हमारे मेहमान खसूसी राणा राशिद साहब CEO कार्टन कंफर्ट, चेयरमैन है ऑन न्यूज़ की, और ऑन न्यूज़ का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि ऑन न्यूज़ ने हमें इस फिल्म के हवाले से हमेशा बड़ा सपोर्ट किया, और हमारे राणा राशिद साहब वाइस चेयरमैन भी हैं मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग के, और हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद यासीन गाजी साहब मरकजी चेयरमैन पब्लिक पुलिस अमन कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं 15 TV News 15 TV News। मियां तारिक साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ, मियां तारिक साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, और इनका जो इदारा है उठालो.com कि जो कुछ भी चाहिए, इस्त्री चाहिए, घड़ी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मशीन चाहिए, उठालो.com। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि हमें बड़ा सपोर्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट मिली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ ये फिल्म लग रही है वो अपना कार्ड लेकर तशरीफ़ लाएंगे स्टूडेंट्स, और उनके लिए 30% ऑफ होगा, उनके लिए टिकट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए 30% ऑफ होगा। फिर हमें किसी ने गिला किया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए ही क्यों, तो फिर हमने पाकिस्तान भर के हर तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्म के लिए 30% ऑफ कर दिया।
जो स्टूडेंट अपना कॉलेज का कार्ड लेकर आएगा उसको 30% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा वकला के लिए क्या नाम है हमारे नाज़िम अली मलिक साहब एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं हमारे इदारे के, तो उनके तवस्सुत से जो है तमाम वकला के लिए भी ये 30% ऑफ। और फिर जब कहा गया कि सिर्फ वकला के लिए, तो हमने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए भी ये ऑफ़र दे दी है कि उनके लिए टिकट 30% ऑफ होगा। हसन अब्बास जैदी साहब हंस रहे हैं कि उनको पता है कि हमारे लिए ये 30% ऑफ नहीं है, ये टोटल फ्री है। और हमें लोकेशंस जो है, ये इतनी खूबसूरत लोकेशंस आप गानों में और फिल्म में देख रहे हैं, ये तमाम लोकेशंस मुहैया की हैं। इमरान शाह साहब ने हमारे फिल्म में अच्छा रोल भी किया और उनके लिए बहुत सारी तारीफ। आप तमाम मीडिया के तावन से और इन तमाम दोस्तों के तावन से ये फिल्म ईद पर रिलीज़ है, और इस मौके पर मैं अपने मेहमान खसूसी से गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ कहें। तमाम मौजूद मेहमान करीम जो आने वाले और मीडिया का मैं बहुत मशहूर हूँ कि मीडिया आए और जितने मेहमान आए सबका बड़ा मशहूर हूँ। और मेरे बड़े भाई यासिन गाली साहब, मियां तालक साहब, जनाब अजहर डियाल साहब और भी जितने दोस्त जिनके मैं नाम नहीं ले सका, मैं सबका बहुत मशहूर हूँ और हम उनको वेलकम करते हैं। तो मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी में फिर ना तो तकलीफ आती है ना मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने फिल्म बनाई है नो लव नो टेंशन, ईद के ऊपर रिलीज हो रही है, सब लोग देखें, अच्छी फिल्म है। और आइंदा भी डॉक्टर साहब जो भी फिल्म बनाएंगे उनके साथ, जो उस फिल्म में मेरा भरपूर डॉक्टर साहब के साथ तामन होगा, इस फिल्म में भी मैं जितनी जगह हूँ इंशाल्लाह इनके साथ तामन किया है, आइंदा भी जितनी ये फिल्में बनाएंगे मैं भरपूर इनके साथ हूँ डॉक्टर साहब के साथ। और मेरी दुआ है डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ऐसी हज़ारों फिल्में बनाएं और आपको इंटरटेन का मौका मिले। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब हमारे सीनियर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नामवर चेहरा अच्छी खासा आपसे गुजारे।